एबे आपनको कहुछि अणसर समय दारु विग्रह को देखिबा काहे कि मना एथि निमन्ते आपनको स्कंद पुराण कथा कहुछि। एही पुराण रे विस्तृत विवरणी वर्णना करा जायछि। स्कंद पुराण अनुसारे स्वयं श्री जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न को कहिसेंति, हे राजा विधि मते मते स्नान कराई पंचदश दिवस पर्यंत मोर अंगराग विहीन विरूप बा अभिरूप, अभिरूप माने बहुत आकर्षणीय रूप और विरूप माने बहुत विकृत रूप, जहाँ भी हो अभिरूप हो बा विरूप हो ताहाकू कदापि दर्शन करिबो नाही, अर्थात स्वयं श्री जगन्नाथ दर्शन को बारण करिछन्ते। पुणी वाम संहितार कहुछि एहिपरि स्वरूप बा विरूप रे जेउ लोक माने जगन्नाथ आदि देवतांको दर्शन करंती सेमाने घोर नरक रे पड़ती। आमर दर्शन करिबा आवश्यक नाही, आमे जगन्नाथ विश्वासी काहे सेतरे जीवा। अनेक कहंती एही समय रे ए जो अणसर समय रे महाप्रभु ज्वर रे पड़ते, हुए तो एहा लोकंको भावधारा मध्ये जोड़ी रखिबार एक प्रयास होइथाय पारे। मानवीय लीला रे प्रभुंको धरि रखिबार एक परंपरा होइथाय पारे, किंतु स्कंद पुराण रे 29तम अध्याय रे लिखित 28तम श्लोक रु एहा जणा पड़े जे एही ज्वर प्रसंग अमूलक, स्नान हेतु श्रीअंग सामान्य विरूप होइथिबारु उक्त दिन मानकरे दर्शन पारण करा जायछि। एहा हमर विश्वास और परंपरार कथा। आपण पचारि परंती से समय रे कौन हुए, से समय रे गुप्त नीति सब कौन? एही समय रे महाप्रभुंक अंग गठन नीति हुए। एहा एक गुप्त सेवा एवं निर्धारित सेवक द्वारा एही अंग गठन नीति समापन होइथाय। पंचमी दिन फुलुरी तेल लागी करा जाए। एही फुलुरी तेल ओडिया मठ द्वारा, बड़ ओडिया मठ द्वारा श्रीमंदिर को प्रदान करा जाए। आपण फुलुरी तेल कौन बोली पचारि पारंते, एहा राशि तेल स्वतंत्र उपाय रे एहा को तयारी करा जाए। एहा एक वर्ष काल माटी तले पोती दे रखा जाए, शीतल तेल बोली कहा जाए, ताहाकु पारंपरिक भाव रे प्रस्तुत करा जाए एवं दिया जाए। एही समय रे महाप्रभुंक दशमूल मोदक प्रभुंकु लागी करा जाए। पारंपरिक भाव रे वैद्य परिवारंक द्वारा एहा प्रस्तुत होइथाय। एकादशी दिन खड़ी लागी होइथाय, आउ द्वादशी दिन प्रसाद विजय नीति अनुष्ठित हुए। एही नीति रे गजपति महाराज को श्रीमंदिर पक्षर समस्त कार्यर ठिकना भाव चली कि ना से बाबद बरणी प्रदान करा जाए। त्रयोदशी दिन घणा लगे होता है, घणार अर्थात मोटा सूता बा दौड़ी। एही नीति प्राय 10-12 घंटा समय लगे प्रभु को ठिकना रूप देवा लगी यह उद्दिष्ट होता पारे। तापर चले बनक लगे अर्थात रंग दि जाए। चतुर्दशी जाए यही गुप्त नीति सब चले। एही समय भितरे केवल पटिदेव को दर्शन मिली थाए, तांकु पटब्रह्म बोली पूजा करा जाए। तापरे हुए दारु ब्रह्मंकर नवजौवन दर्शन ओ नेत्रोत्सव। अपूर्व से समय